सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आ चुके हैं फालागढ़। फालागढ़ का हम लोग अभी है, मतलब कौन सी जगह पता नहीं जगह का नाम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे पुराना सा टेम्पल है जिसका नाम है महाकालबाड़ी, ऐसे ही कुछ जा रहे हैं उस जगह पे। उस जगह पे जाने के बाद क्या है उस जगह पे देखेंगे, फिर उसके बाद कौन सी जगह पे देखेंगे पूरा वीडियो से आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे भीड़ भाड़ है छोटा मोटा, और यहाँ पे पार्टी का कुछ चल रहा है, मीटिंग चल रहा है बहुत अंधा कानून है, लेकिन लड़का भी अंधा है साला, देखे भी नहीं, रोड क्रॉस कर रहा है। तो रास्ता का हालत कुछ ऐसा है, एकदम बेकार सा रोड्स का हालत हो गया है। टूट खाली खाली सा कस्टमर नहीं है ही बोल सकते, इतना कम कस्टमर। माइक का जो क्लिप था वो क्लिप लाना भूल गया, तो पता नहीं माइक का साउंड कितना सा आ रहा है, और फेस तो नहीं आ रहा है ऐसा। तो गाइस जब मैं फालागढ़ का हाट खोला मार्केट में, कुछ नहीं है अभी इस जगह पे। और जो रोड्स है इसका नाम है विवेकानंद रोड्स, स्वामी विवेकानंद का नाम से इसको रखा गया है। तो अभी हम लोग लगभग आ ही चुके हैं, वो बाजार को क्रॉस करने के बाद ही वो टेंपल है पुराना सा टेंपल। भाई लगभग कितना साल पुराना टेंपल होगा वो, ओ भाई कितना साल पुराना टेंपल होगा वो वाला। यहाँ पे कुछ एरिया, और अभी हम लोग आ चुके हैं उस टेंपल पे, ऊपर से दिखाई दे रहा है आप लोगों को ऐसा नज़ारा है। तो चलो अभी अंदर जाते हैं। भाई अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं, पीछे जो एक पेड़ दिखाई दे रहा है उस जगह पे कुछ लोग पूजा अर्चना करते हैं, और इस साइड में है मेन जो टेंपल है उस साइड में है। तो अभी इस जगह पे कुछ तो शॉट लेना बनता है, मतलब सिनेमेटिक शॉट लेना बनता है, तो यहाँ पे एक सिनेमेटिक शॉट लेकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो अभी सिनेमेटिक शॉट लेते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं, फिर क्या मतलब वापस आते हैं। कोई टी शर्ट नहीं है, जो भी ब्लॉग करता हूँ मैं सब हर ब्लॉग में मैं यही टी शर्ट पहन के वीडियो शूट करता हूँ। ये जो दिखाई दे रहा है ये है बट पाकुर मिलन मंदिर, ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि 1999 पे बनाया गया था, मतलब अभी के मुकाबले मतलब 22 इयर्स ओल्ड एक पुराना सा मंदिर है। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है तो कुछ दिन पहले बनाया ऐसा लग रहा है देखने के लिए, लेकिन जो मंदिर बहुत पहले से ही था। ये जो सामने दिखा था यही जो मेन मंदिर था, महाकाल मंदिर जो बोलते हैं, यही वो मंदिर है, देख सकते हैं और दिखाई भी दे रहा है कैमरा में। तो टुक टक लोग आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर मतलब प्यार मोहब्बत करने के लिए आ रहे हैं, क्या बताऊँ। मंदिर के प्लेस को भी ये लोगों ने अपना पार्क बना लिया कुछ बताने के लिए। तो यहाँ पे कुछ बैठने का जगह है, और हम लोग का सामने इस साइड में मंदिर, ये है फालागढ़ महाकालबाड़ी का सामने का मार्केट, मतलब हाटखोला मार्केट। तभी तो टोटो से जा रहे थे, उतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो अभी पैदल जा रहे थे। देखिए क्या क्या है इस जगह पे, एक टोटो वाला को बोलो। बैंक रोड। तो चलो टाटा बाबा करते हुए हम लोग आगे जाते हैं, और आगे
अभी हम लोग इस रेस्टोरेंट है जगह का नाम फार्मर रेस्टोरेंट से हमें जाएंगे। तो चलो तिरुपति मोबाइल सेंटर के मोबाइल का दुकान किधर है भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वाला ने तो यहाँ पे धूम मचा के रखा है हर जगह पर, इधर बीस टेबल पर जाओ धूम मचा के रखा। तो आने के टाइम में हम लोग पीछे से जो रोड से चला गया था उस रोड से हम लोग आए थे। तो अभी हम लोग इस रोड से जा रहे हैं कि एकदम हॉस्पिटल के बगल में से रोड निकलते हैं, उस रोड में जाके सीधा हाई रोड पे चला जाएंगे। तो यही बोल रहे हैं तो यहाँ पे एक मंदिर है, सिद्धला मंदिर है, है भालाघाटा का पुलिस स्टेशन। यहाँ पे एक ब्रिज तो है लेकिन जो नीचे का जो रिवर है एकदम पूरा सा गंदा हो गया। रिवर नहीं कोई नाला का ब्रिज बना दिया भाई, यहाँ पे गंदा नाला हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है ड्रेन कहाँ पे है। अभी हम लोग जा रहे हैं भालाघाटा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बगल से रोड है, उस रोड से जा रहे हैं। तो बाहर से उतना नज़र नहीं आ रहा है, कुछ क्या देखा सामने से दिखाई देने से हम लोग जरूर दिखाएंगे कुछ देर बाद। इधर अभी हम लोग आ चुके हैं हाई रोड पे, देखते हैं। तो देखो भाई वहाँ पे एक बाइक में तीन आदमी और एक बाइक में हेलमेट छोड़ के जा रहे हैं। ये जो जगह है कुछ मतलब सफारी का जो स्टैंड है, इस जगह पे आप लोग आलीपुर जाने का गाड़ी मिल जाए। और सामने ट्रक है लेकिन ट्रक का जो लाइट है इस जगह पे रखा हुआ है, पता नहीं क्यों है ऐसा, बहुत ही भीड़ है, बहुत ही भीड़ है। इस जगह से आप लोग आलीपुर जाने का गाड़ी मिल जाएगा ईजिली। तो चलो हम लोग का बजट बहुत ही कम है, मतलब 100 रुपये के अंदर खाना खाना पड़ेगा, मतलब 100 रुपये दोनों आदमी का, एक आदमी का नहीं। तो यहाँ पे सामने एक रेस्टोरेंट है फार्मर रेस्टोरेंट, इस जगह पे हम लोग जाएंगे। नो मास्क नो एंट्री, ठीक है मास्क पहन के तो चला जाएंगे लेकिन मास्क पहन के खाना कैसे खाओ भाई। इस जगह का मेनू चलो पढ़ के सुनाते हैं क्या क्या है। वेज बिरयानी 130 ऐसा ही कुछ मेनू है। और यहाँ पे एक अजीब सा एक चीज़ है, ठीक है एक मुगलाई, ठीक है हम लोगों के पे मुगलाई तो एक के अलावा नहीं मिलता है, मतलब एक मुगलाई कैसे होता है भाई, तो सिर्फ मुगलाई एक मुगलाई ऑर्डर दे रहे हो। देखो हम लोग के सिर्फ मुगलाई और इस जगह पे एक मुगलाई पे क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। कुछ ऐसा है एक मुगलाई मतलब देखने में तो सभी एक ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो सब्जी है उसमें कुछ चना मटर और पॉलिटर सब कुछ है, और उसके साथ इस जगह पे पैटर्न भी दिया हुआ है। देख के तो लग रहा है बहुत ही टेस्टी होगा खाने में, तो चलो खाते हैं। गाइस लोग अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, तो यहाँ से और भी 500 मीटर ऐसा कुछ डिस्टेंस है घर, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो होप यू गाइस वीडियो बहुत ही पसंद है, वीडियो पसंद है और 1% भी पसंद है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते और एक नया वीडियो नया कॉन्टेंट के साथ, तो टाटा बाय।